क्वेश्चन है अपने पास कि एक सर्किल है, सर्किल की जगह ये दो इक्वेशन दी है, एक स्फेयर और एक प्लेन। ठीक है, जब प्लेन को प्लेन स्फेयर को काटता है तो सर्किल बनता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो सर्किल दिया है और उस सर्किल की रेडियस आर दी है, तो अपन को एक छोटी सी चीज़ सिद्ध करनी है, आर स्क्वायर प्लस डी मल्टीप्लाई विद एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम वी माइनस एन वी का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ एन यू माइनस एल डब्ल्यू प्लस होल स्क्वायर ऑफ एल वी माइनस एम यू। ठीक है, सो इसको अपन को ये दिया है, एक छोटा सा एक सर्किल दिया है। ठीक है, ये गोला है और ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन जब गोले को काटता है तो एक सर्किल का निर्माण करता है, तो अपन को ये चीज लानी है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर मैं एक सर्किल कैसे बनाऊंगा, ये गोला हो गया। ठीक है, प्लेन ने कट कर दिया, तो प्लेन ने कट गया तो एक सर्किल बना। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है गोले का, ये सर्किल, ये परपेंडिकुलर होता है, ये सर्किल, ये स्फेयर की रेडियस होती है। ठीक है, ये कैपिटल आर और ये सर्किल की रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, और ये सर्किल के पॉइंट मान लेते हैं। देखो सर्किल की इक्वेशन इसने ये दी है, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, सेंटर पॉइंट ये तो होंगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट ये हो गए माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और प्लेन अपने पास है क्या, एल एक्स, ऊपर कर दूँ थोड़ा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जे, प्लेन ये दिया है। ठीक है, और प्लेन में अपन को पता है ये ए बराबर एल है, बी बराबर एम है, सी बराबर एन है, और डी तो है ही नहीं, जीरो मान, कैपिटल डी मानते हैं ना, क्योंकि स्मॉल डी तो अपना स्फीयर में। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपन को ये चीज लानी है आर स्क्वायर, है ना। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर कब आएगी, ये कब आएगी, सो पहले मैं सी इसको एन मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता, तो सी एन की लंबाई निकालता हूँ, लंब की लंबाई निकालते हैं जो सी पॉइंट सारे और समतल पर लंब है। तो लंब की लंबाई सी एन का फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये होता है ए एल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, है ना, प्लस में कौन सा डी आएगा भाई, कैपिटल डी। ठीक है, समतल पर है ना लंब, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये इसे अल्फा बीटा गामा ले सकते हो, इसको ए बी सी तो मान रखते, तो सी एन बराबर आ जाएगा अपने पास ए बी सी, ए बी सी का मान एल एम एन एल एम एन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा मतलब माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू और प्लस का डी। ठीक है, सो प्लस का डी तो इसमें जीरो है, तो कोई बात नहीं, एंड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया है ना, सो ये सी एन का मान है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका माइनस को हटाता हूँ, ठीक है, रूट को हटाता तो मैं स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो सी एन स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस को बाहर लूँगा तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो मतलब एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू, और इसका स्क्वायर में रूट करेंगे, रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। रूट क्यों किया, क्योंकि आपको ये चाहिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये तभी तो आइए रूट हटेगा तभी, तो इसलिए अपन ने इसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखो अपने पास सी पी का मान निकालते हो। ठीक है, सी पी का मान जो कि है गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो सी पी का गोले की त्रिज्या वैसे क्या होती है, रेडियस क्या होगी, आर का मान वैसे ही होगा क्या, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये है आर का मान। ठीक है, और वैसे क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर यदि प्लस करते तो इसका स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, तो पहले मैं इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ, आर स्क्वायर ये आ गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये आर स्क्वायर है ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर एंड सी एन, ठीक है ना, स्मॉल आर स्क्वायर एंड सी एन स्क्वायर, ठीक है। सो ये चल रहा है अपना, अगले पेज में लिख दूंगा ठीक है ना, तो बाद में करना पड़ेगा। ये आ गए अपने देखो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी एन का मान अपने पास ही है, सी एन का मान ये है ठीक है, इसका मान सीधा वहीं पर रख रहा हूँ मैं। सो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी बराबर आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर रहेगा ठीक है। सी एन का मान अपन ने ये निकाला था सी एन, तो इसका मान उसमें रख रहा हूँ मैं ठीक है। ठीक है सी एन का मान रख देते भाई, सी एन स्क्वायर का मान एल स्क्वायर एम बी प्लस एन डब्ल्यू अपॉन में इसका तो भाई स्क्वायर आ जाएगा ठीक है ना। यहाँ पर हमने अपन देखो स्क्वायर किया था ना, इस तो इसका तो स्क्वायर आएगा ना, और इससे रूट कैंसिल हो जाएगा ठीक है। एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हमें पूरी इक्वेशन को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से गुणा कर दूंगा ठीक है। तो क्या जाएगा मेरे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको गुना कर दिया इससे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ठीक है, इससे भी गुना करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, और इसको जब गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना, प्लस एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू स्क्वायर ठीक है। अपन को लानी है क्या, अपन को लानी है ये लाना है ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी लाना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस डी देखते, आर स्क्वायर प्लस डी ये कैसे आएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस डी देखो देखो ये क्या है, ये पूरी आर स्क्वायर है ना अपनी, ये आर स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ये क्या आर स्क्वायर है ठीक है ना, कैपिटल आर स्क्वायर है ये है ना। तो इसमें अपन तो वही कैपिटल आर स्क्वायर आया अपन को, तो स्मॉल लाना है, स्मॉल आर स्क्वायर लाना है। सो यहाँ पर एल स्क्वायर, सो इसमें देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर इसको मैंने इससे गुना कर दिया ठीक है, और इसका तो स्क्वायर है ही है ना, और डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फिर देखो मुझे खोल कर लिखना पड़ेगा इसको, इन तीनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे काम में आएगी ठीक है ना, तीनों को एक साथ ले लेता हूँ मैं, यहाँ तक दिख रहा होगा ठीक है, तीनों को मैं गुना कर देता हूँ इससे। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तीनों से गुना कर दिया, देन माइनस डी से भी गुना कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में डी कर दिया ठीक है, और बराबर में ये चीज़ चली रही है, एल स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए था आर स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ना, सो आर स्क्वायर प्लस टी मिल गया मुझे। देखो आर स्क्वायर एंड प्लस टी, मैं इस चीज़ को इधर लाकर बराबर है, इसको इधर लाकर मैं ये वाली चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, सो मेरे पास बचता है जी यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन टू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। मैं इसको इधर ले जाता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। सो अंदर यहाँ पर तो आर स्क्वायर बच गया और ये प्लस का डी बच जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस में ये भी है एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी आ गया। इतना तो आ गया, देखो आर स्क्वायर प्लस टी है ना, इसका मल्टीप्लाई ये तो आ गया, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, सो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर प्लस टी, ये चीज़ तो आ गई अपनी ये वाली। अब मैं इसको इधर ला देता हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। सो आपको ये भी आ गया, ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड तो पद आ गया, अब राइट साइड का पद लाना है आपको और ये चीज़ है, ठीक है ना। सो इसमें आप देखो क्या करेंगे, एक सर्वसमीक होती है, ठीक है ना, एक क्या होती है अपनी सर्वसमीक होती है, तो उस सर्वसमीका से ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है ना। सर्वसमीक मैं आपको बता देता हूँ, अपनी यहाँ तक की ये चीज़ आ चुकी है या अब स्टार्ट हुई इतनी देर से, ठीक है। सो देखो सर्वसमीका होती है एक अपनी सर्वसमीका, तो सर्वसमीका का मतलब क्या होता है, आपको याद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधी ये राइट साइड में ये लिख देना सीधा ही, ठीक है ना, सीधा ये लिख देना क्योंकि लेफ्ट साइड से आ गई तो सीधा ये लिख देना। अगर ये सर्वसमीका याद है तो सर्वसमीका मैं लिख देता हूँ, उसको याद कर लेना एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, और इसके यदि मल्टीप्लाई में एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, और माइनस में इसी फॉर्म में चल रही है वही है, और माइनस में क्या हो एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू का होल स्क्वायर हो, ठीक है। सो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम वन एन टू एम टू एन वन होल स्क्वायर प्लस एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन होल स्क्वायर प्लस एम टू, ये क्या हो गया एन एम हो गया एन एल हो गया, ठीक है। अब एल एम बच रहा है, ठीक है, सो एल एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये सर्वसमीका है, ठीक है, ये सर्वसमीका इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको यदि सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे ना तो यही चीज़ आ जाएगी अपनी, ये आर स्क्वायर प्लस टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एम डब्ल्यू माइनस एन बी होल स्क्वायर प्लस
एन यू माइनस एल डब्ल्यू होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू होल स्क्वायर। सो यही अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।